मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज दिनांक 21/8/2021 को सर्किट हाउस वाराणसी में जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से स्टाम्प व निबंधन श्री रविंदर जायसवाल के नेतृत्व में वह कार्यक्रम का आयोजन श्री अमन पाठक प्रधानमंत्री हेल्प डेस्क वाराणसी मंडल व श्री निर्भय भास्कर समाधान अधिकारी सदर ऑनलाइन का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय रविंदर जायसवाल व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा व एडिशनल रेसिपी दिनेश कुमार पूरी कार्यक्रम के आयोजक अमन पाठक प्रधानमंत्री हेल्पलाइन वार्षिक मंडल संचालन अतुल्य अधिकारी निर्भय भास्कर दिनेश विनोद विश्वकर्मा कृष्णा श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद मिले, जिसमें मदन दुबे अशोक मौर्य सुशील गुप्ता मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह रतन मौर्य संदीप त्रिपाठी जिसमें वाराणसी के माननीय व्यापारी श्री केशव जलान व नीलू मिश्रा निर्वाचन आयोग की सदस्य आदि लोग शामिल थे। मंत्री रविंदर जायसवाल जी के द्वारा पेंशनधारियों को सम्मान किया गया, जिसमें राजकुमार केसरी उम्र 87 वर्ष, प्यारे लाल 75 वर्ष, कृष्णा दास 70 साल, ललिता सिंह 75 साल, गीता देवी 66 साल की थी। जिंदा के लिए अच्छा नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के 2 दिन पहले तक या 6 महीना पहले तक आपको मिलता है प्रमोशन। अब 30 साल के हुए फिर आपकी नौकरी हो गया 5 साल, फिर आप जाते हैं 25 साल पर तो आपका 9 होता है, 10 साल का फिर आप जाते हैं 40 साल पर तो आपका 9 होता है, 15 साल का जब पहुंचते हैं 60 पर बोलते हैं तो आपका 9 हो जाता है 25-30 साल का। अब 58 साल पहुंचते हैं तब भी आपको फिर प्रमोशन मिलता है और 6 महीने बाद यह कहा जाता है कि अब आप रिटायर हो गए। नमस्कार, मैं अमन पाठक, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के हेल्पलाइन में फील्ड रिस्पॉन्स ऑफिसर हूँ, 3 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस था, उसके संबंध में मैंने बुजुर्ग लोगों को आज सर्किट हाउस पे 4 बजे शाम 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी, माननीय भाजपा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी शर्मा जी, माननीय जलान केशव जलान जी, इनकी उपस्थिति रही। इनके किस चीज़ का कार्यक्रम किए थे आप? इनका कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस था, इसके संबंध कितने नागरिक को आप लोगों ने क्या किया है? 30 से 40 लोग के बीच में इन लोगों को मैंने सम्मानित करवाया, केक कटवाया जी, गमछा दिया, माला फूल दिया, घड़ी दिया, गीता दिया और भी जो भी सामान आशीर्वाद लिया उनसे। ठीक,